जय हिंद दोस्तों, आज 8 फरवरी सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इक्वल एमएसपी 15,500 पर सुनवाई कल यानी कि 9 तारीख को होगी। इस बार सुनवाई है कंफर्म, सुनवाई होगी इस पर जानकारी मिली है। पुलिस ने नायक को पीटा, यूनिट के सीओ ने पुलिस की खटिया खड़ी की। 8 CPC संसद में हंगामे के बाद मोदी सरकार ने जवाब दिया है। जंतर मंतर पुलिस ने पूर्व सैनिकों को किया गिरफ्तार। पेंशन विभाग ने जारी किया एक देश एक पोर्टल योजना, कैसे इसका यूज करेंगे JCOOR, इस पर बात करेंगे। 3 नए रोजगार मेला DGR का लेटर हुआ जारी, JCOOR के लिए नई भर्तियां निकली हुई हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली खबर पर इक्वल एमएसपी पर बात करूं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर दे देता हूं। ये पूर्व जो सैनिक हैं उनके बच्चों के लिए ये खबर है, बता दें आर्मर्ड फोर्स इम्यून चिल्ड्रन के इम्यून सिस्टम के बारे में है। अगर आपके बच्चे की जो कम उम्र के बच्चे हैं 5 साल तक के, उनके अगर एज के हिसाब से उनका वेट नहीं है तो आप सतर्क हो जाएं। वेट कैसे बढ़ाएं इसमें पूरी जानकारी दी है, यानी कि 3 महीने का अगर बच्चा है तो उसका वेट होना चाहिए 5.8 kg, और 4.5 kg से अगर कम है तो उसके लिए ठीक नहीं है। तो इसकी ये पूरी टेबल दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं। लगभग बच्ची के लिए लड़कियों के लिए दिया है, पहली टेबल लड़कियों के लिए है, और दूसरी टेबल जो बॉयज हैं 5 साल तक के, यानी कि 60 महीने के बच्चे की जो वेट होना चाहिए वो 18.30 kg होना चाहिए। 18.30 आइडियल है और 14.10 kg से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जानकारी दी है आर्मर्ड फोर्स के एक पूर्व सैनिक ने। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, इक्वल एमएसपी पर कल यानी कि 9 तारीख को सुनवाई होनी है। इस पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से जानकारी मिली है, कल कंफर्म है कि सुनवाई होगी। ये क्यों जानकारी मिली है कि ये कहा गया कि जब नए जो बेंच बैठ रही थी उस वो बैठी नहीं और उसके बाद सुनवाई नहीं हुई, तो जिसकी वजह से 9 फरवरी की तारीख दे दी गई। और बता दें इसमें यह कहा गया है कि इस बार जल्दी तारीख इसलिए दी गई कि जज साहब कुछ दिन बैठेंगे और उसके बाद वो सुनवाई होगी। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, मेरे कपड़े उतारे गए और पगड़ी उछाली गई और मारा गया। सेना के जवान ने चंडीगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, और बता दें ये मामला पंजाब का है। भारतीय सेना के एक जवान ने चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सेना के जवान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है उसने, और बता दें कि नवंबर 2023 में चंडीगढ़ के एक पुलिस स्टेशन में कैमरे के सामने उनके कपड़े उतारे गए और साथ ही उनकी पिटाई की गई, पगड़ी भी उछाली गई। जनवरी 2024 में नायक अमरिंदर सिंह के कमांडिंग ऑफिसर 10 कोर सिग्नल रेजिमेंट के कर्नल मृणाल मेहता ने चंडीगढ़ के DGP को पत्र लिखकर कहा कि घटना ने उन्हें गुस्से से भर दिया है। उन्होंने कहा कि आवारा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि भारतीय सेना का अपमान नहीं सहन होगा। इसमें यह भी जानकारी मिली है कि पुलिस बठिंडा, जो चंडीगढ़ पुलिस बठिंडा में तैनात नायक अरविंदर सिंह की अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। वह चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबल हैं और उसी पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। नायक ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि वह 12 नवंबर 2023 को चंडीगढ़ के पास मुल्लानपुर में अपनी पत्नी और नवजात बेटे के से मिलने आए थे। जब उन्हें पहली बार मुल्लानपुर स्टेशन पुलिस स्टेशन के पंजाब सब इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने बुलाया था, उन्हें धमकी दी और डराया गया। पुलिस स्टेशन में मारपीट की गई है और ये मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है, कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। CO ने कहा है कि अगर हमारे जवान के साथ न्याय नहीं हुआ तो इसकी अलग गलत परिणाम हो सकते हैं। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, 8th पे कमीशन में राज्यसभा में मोदी सरकार से पूछा गया कि क्या 8th पे कमीशन का गठन सरकार करने जा रही है। तो आप देख सकते हैं श्री रामनाथ ठाकुर ने यह सवाल पूछा है।
डिफेंस जो फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा गया है, और ये सवाल पूछा गया है जो 7 CPC में कहा गया था कि 8th पे कमीशन का अगर गठन नहीं होता है तो बेसिक 50% होने के बाद मर्ज होगा या 8th CPC का गठन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 8th CPC का गठन कब करने जा रही है। तो इसमें कहा गया है इफ अगर नहीं करने जा रही तो क्या रीजन है। इसमें यह भी कहा गया है कि सेंट्रल जो 8th CPC का गठन है वो 2 साल पहले हो जाना चाहिए और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। तो इसमें जवाब आया है नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह का 8th पे कमीशन का कंसिडरेशन का कोई ऐसा अभी प्रपोजल नहीं है। लेकिन इसमें यह कहा गया है इस जो 7th CPC में कहा गया था 8th पे कमीशन अगर गठन नहीं किया जाता है तो DADR बढ़ोतरी कर दी जाएगी, DADR को मर्ज कर दिया जाएगा, उस पर भी अभी सरकार ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे पूर्व सैनिक डिपार्टमेंट के हैं, कांग्रेस के ही पूर्व सैनिक डिपार्टमेंट के हैं, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं कर्नल साहब, और उन कर्नल साहब को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, साथ में उनके साथ और भी पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया है। और ये जो आंदोलन कर रहे थे वो आंदोलन कर रहे थे अग्निवीर भर्ती को लेकर, अग्निवीर का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर। और बता दें अब उन्होंने जब अरेस्ट हुए हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि सत्याग्रह यात्रा 1100 किलोमीटर की जाएगी, JCO जवान ऑफिसर सब मिलकर ये आंदोलन करेंगे और युवा भी आंदोलन करेंगे, अग्निवीर सिस्टम में जो पुरानी भर्ती बाकी है वो पुरानी भर्ती कराई जाए, रेगुलर के तौर पर वो भर्ती कराई जाए, 1.5 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये कांग्रेस के ही एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, एक देश एक पोर्टल योजना लागू कर दी गई है। और बता दें कार्मिक लोक सेवा एवं पेंशन मंत्रालय ने यह प्रेस रिलीज जारी की है, 7 फरवरी 2024 की प्रेस रिलीज है, और इसमें बड़ी बात यह है कि इसका फायदा सभी पेंशन होल्डर को मिलेगा, और चाहे स्टेट के हो चाहे केंद्र के हो। सरकार ने केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी कि CP ग्राम नाम से एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली तैयार की है, जहां पर आप HTTP PG पोर्टल में जाकर अपनी कोई भी शिकायत पेंशन से संबंधित है उसको दे सकते हैं, का उपयोग करके जा सकते हैं, और इस तरह से देश का सभी जितनी भी शिकायतें हैं कोई भी नागरिक CP ग्राम पर जाकर केंद्रीय मंत्रालयों विभागों राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय विभागों और राज्य सरकारों को केंद्र शासित प्रदेशों को CP ग्राम तक पहुंच बनाने के लिए हर साल लगभग 1.5 लाख के आसपास शिकायत, हर महीने 1.5 लाख शिकायत का निवारण किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि CP ग्राम से कितनी शिकायतें जल्द से जल्द समाधान होता है। और मैं बता दूं कि इसका मैंने जीता जागता उदाहरण भी देखा है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्या किसी भी तरह की पेंशन से कोई एरियर नहीं आ रहा है तो CP ग्राम में कंप्लेन करने से होता है। CP ग्राम का कंप्लेन कैसे की जाती है उसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और बड़ी खबर है, DGR जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा 3 और जगहों पर। आज जो कल DGR जॉब फेयर आयोजित किया गया था 7 तारीख को, वो पुणे में आयोजित किया गया था, आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। और बता दें पुणे में जो DGR जॉब फेयर आयोजित किया था उसमें लगभग 1033 एक्स सर्विसमैन आर्मी एयरफोर्स नेवी और वीर नारियों ने इसमें भाग लिया था और इसमें रजिस्ट्रेशन करा के भाग लिया था। 45 कंपनियां आई थी जो कि महाराष्ट्र में जॉब के लिए, इसमें महाराष्ट्र में पुणे में जॉब दी गई थी। और बता दें पूरे महाराष्ट्र के लिए जॉब थी, ऑल इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे, रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। कोई भी DGR फेयर जिस स्टेट में होता है वहां की लोकल जॉब मिलती है, लोकल में जॉब रहती है, लेकिन ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका ध्यान रखें। कई लोग कहते हैं कि ये पुणे में है तो क्या केवल महाराष्ट्र के लोग अप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जॉब फेयर कहीं भी लगाया जाए उस स्टेट के लिए होता है,
हर हर स्टेट के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब आपको उसी स्टेट में मिलेगी जिस स्टेट में जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। अब मैं बता दूं, इसमें यह भी जानकारी दी है 3 और जगहों पर जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा, उसका भी एक का शेड्यूल आ चुका है जो कि लखनऊ का, और बाकी का भी नहीं आया है। तो लखनऊ में जो आयोजित किया जाएगा 16 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा, और बता दें इसमें सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है 16 फरवरी को, और बता दें एक्स सर्विसमैन आई कार्ड ले जाना जरूरी है, सीवी, बायोडाटा फॉर्म और अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना जरूरी है। 60 साल तक के भूतपूर्व सैनिक वीर नारियां इसमें जा सकते हैं। जॉब फेयर एट लखनऊ। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, जॉब फॉर एक्स सर्विसमैन स्टेट सुपरवाइजर की वैकेंसी जेसीओ के लिए निकली हुई है, एक वैकेंसी है। यूडीसी के लिए 2 वैकेंसी है, डेंटल टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, और बता दे ये वैकेंसी है आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जवाहर नगर में सिकंदराबाद में है। और इसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी है 10 फरवरी 2024 से पहले पहले अपना सीवी दे सकते हैं। एड्रेस है कर्नल पीजी कृष्णन रिटायर्ड रजिस्ट्रेशन आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल जवाहर नगर पोस्ट सिकंदरा, और इसमें बता दें ये टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं, इस एड्रेस पे अपना सीवी भेज सकते हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।